तो चलिए रूट वर्ड का पार्ट 13 आ चुका है आपके लिए। आज का रूट वर्ड होने जा रहा है LOQU या LOC, जिनका मतलब होता है स्पीच या स्पीक। अब वर्ड यहां पर आपके सामने है, गारंटी के साथ कहता हूं 5 से 7 मिनट दे दो, ना याद करा दिया तब मुझे बताना कि सर झूठ बोल रहे हो आप। प्लीज थोड़ा सा आप अपने अंदर पेशेंस रखें, क्योंकि देखिए मेनिया, फोबिया, क्रेसी, ये सब बहुत पढ़ लिया आपने, ये वर्ड बड़े इंटरेस्टिंग है। और अगर आप चाहते हो वोकैबुलरी आपकी नंबर एक की हो जाए तो ये काम आपको करना होगा। कल से हमारा ग्रामर का सेशन भी शुरू होने जा रहा है, आई होप उसके लिए भी तैयार होंगे आप। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अपना पहला वर्ड है, तो हमारा रूट वर्ड है LOQU LOC, जिसका मतलब स्पीच या स्पीक होता है, ठीक है। सबसे पहला वर्ड है इलोक्वेंट। इलोक्वेंट क्या होता है, तो भाई देखो ना, LOQU लिखा है तो इलोक्वेंट लिखा है, इसका मतलब क्या है, इफेक्टिव इन स्पीकिंग, यानी जो आदमी अपनी बातों में क्या कर दे, ऐसी बातें बोले, ऐसी दमदार बातें बोले तो सामने वाला फ्लैट हो जाए, हो ना, तेरी बातों ने ऐसा उलझा दिया, तो भाई सामने वाले की बात में लोग उलझ कर रह जाते और सामने वाला अपना काम करके निकल जाता है। तो वाक्पटु उसको बोलते हैं हिंदी में, लेकिन जो बेहतरीन बोलते हैं, जो बेहतरीन वर्ड्स का यूज करके बोलते हैं, उन्हें इलोक्वेंट कहा जाता है। एक बात और बता देता हूं, LOQU या LOC ये आपके बीच में आने वाले वर्ड हैं। वैसे तो रूट वर्ड प्रीफिक्स भी होता है, सफिक्स भी होता है, लेकिन यहां पर क्या है, ये बीच में आएंगे तो भाई बीच में भी पढ़ लिया जाएगा, कौन सी बड़ी बात, जब आगे और पीछे देख लिया तो बीच वाले का क्या देखना, मतलब बीच वाले को तो देख ही लेंगे, कौन सी बड़ी बात ना। चलिए दूसरा वर्ड है लोकेशियस। तो LOQU लिखा हुआ है, पहली बात यहां पर देखो शुरू में आ गया, कोई बात नहीं, लोक LOQU लिखा है, लोकेशियस है तो भैया लिख दिया गया टॉकटिव, जो बहुत बोलता है, बातूनी है, बात कर करके सर पका देता है, दिमाग खराब कर देता है, लोग बैठना नहीं चाहते उसके साथ, इतना खतरनाक वो आदमी, यानी बहुत ज्यादा बोलने वाले को क्या कहा जाता है, बातूनी कहा जाता है, और उसे इंग्लिश में कहते हैं लोकेशियस। क्या बात है, इलोक्वेंट जिसकी बातों में दम हो, लोकेशियस जो बहुत बोलता हो। वर्ड की बात मैंने कही, गारंटी ली है ना, आपको सिखा दूंगा अभी 5 से 7 मिनट के बीच में। नेक्स्ट वर्ड है देखिए सरकम। इसके बारे में बताया ना आपको कि सरकम भी एक रूट वर्ड है, जिसका मतलब होता है चारों ओर। अब देखो सरकम का मतलब चारों ओर, LOC दिख रहा है आपको, जिसका मतलब होता है स्पीच या स्पीक, बोलना, ठीक है, IOUN नाउन हो गया। तो सरकम लोक्यूशन, सरकम लोकेशन का मतलब होता है राउंड अबाउट वे, या कहा जाता है घुमा फिरा कर बात करना। होता है ना, कुछ लोग होते हैं ना पॉइंट पे नहीं आते, वो बहुत घुमाएंगे, मतलब अगर किसी का मर्डर होते हुए देख लिए तो ये नहीं कहेगा मैंने मर्डर होते देखा, भाई मैं जा रहा था रास्ते में मुझे आवाज सुनाई दी, मतलब घुमा फिरा कर बातों करने के लिए करने वाले को या करना सरकम लोकेशन कहलाता है, सरकम लोक्यूशन कहलाता है, CUTI लोक्यूशन। तो सरकम का मतलब चारों ओर और लोक्यूशन का मतलब होता है बोलना। तो भाई जो चारों ओर यानी बोलता है, इसका मतलब ये नहीं, जो घुमा फिरा कर बातें करते हैं उन्हें सरकम लोक्यूशन कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए कितना बेहतरीन है ना, नेक्स्ट वर्ड है ग्रैंड। ग्रैंड का मतलब होता है भव्य, ठीक, याद रखना एक एक वर्ड को तोड़ेंगे। ग्रैंड का मतलब क्या होता है, भव्य, ठीक है। LOQ लिखा है, जिसका मतलब होता है स्पीक। ENCE लिखा, चलो वो अलग वर्ड है। ग्रैंडीलोक्वेंस लिखा है, ग्रैंडीलोक्वेंस का मतलब होता है बोस्टफुल स्पीच और राइटिंग। होता है ना कुछ लोग होते हैं ना जो एकदम भौकाल में बात करते हैं, अपनी बातों में इतना दम रख देते हैं, इसको सेखी बघारना भी कहते हैं, कि अपने बस बोलना, अपने बोलना कि हाँ हम ही हैं, हम ही हमें और कोई नहीं है, मतलब एक होता है ना कि बोलने का तरीका, किस अभी इसमें क्या होता है ना, सामने वाले को कुछ समझ ही नहीं रहा आदमी, सामने वाला उसके लिए ना के बराबर है, हम ही हम है, और जब हम ही हम है तो फिर क्या गम है, तो हम ही हम है वाला कंडीशन जब आएंगे तो उसे ग्रैंडीलोक्वेंस कहते हैं, ग्रैंडीलोक्वेंस। नेक्स्ट है वहां पर मैग्नी। अब भैया इसके बारे में बता देता हूं, मैग्नी का मतलब होता है बड़ा, ठीक है, मैग्नी का मतलब या मैग्ना का मतलब होता है भव्य होता है, मैं बोले दे रहा हूं, ठीक है, सॉरी यहां पर होता है बड़ा,
ग्रैंड का मतलब होता है भव्य, ठीक है। तो मैग्नी लोक्वेंस, वही कंडीशन सेम यहां पर है, यहां पर ग्रैंडी था, यहां पर मैग्नी हो गया। तो ग्रैंडी का मतलब क्या हुआ? भव्य हुआ। मैग्नी का मतलब हो गया बड़ा। तो मैग्नी लोक्वेंस, तो यहां पर क्या है? यूज ए हाई फ्लोन वर्ड्स, वही बात है ना कि बड़ी बड़ी जो बातें, बड़ी बड़ी जो शब्द यूज करता है, मतलब दम कुछ नहीं है लेकिन बड़े बड़े शब्द बोलता है, बड़े बड़े अच्छे अच्छे वर्ड निकाल निकाल के बोलता है, फिर वो चाहे इंग्लिश में हो चाहे हिंदी में हो, उसे ग्रैंड, उसे मैग्नीलोक्वेंस कहते हैं। ग्रैंडीलोक्वेंस जो क्या होता है भाई, बोस्टफुल स्पीच देता है, माने अपनी सेखी भगाड़ता है। मैग्नीलोक्वेंस क्या है भाई? जो यहां पर जो बड़े बड़े शब्द यूज करता है। तो एल ओ क्यू यू याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इंटरलोक्यूशन, इंटरलोक्यूशन। अब इंटरलोक्यूशन, इंटर का मतलब क्या होता है? बीच में, ठीक है। इंटर का मतलब होता है बीच में। अब कन्वर्सेशन बिटवीन, यानी वार्तालाप करना इंटरलोक्यूशन होता है, वार्तालाप करना इंटरलोक्यूशन होता है। कितना बेहतरीन वर्ड है सब, देखो बहुत क्लियर है सब चीजें, अलग अलग कुछ भी नहीं है, बस आपके समझने की बात है। आप एक एक वर्ड को तोड़िए ना, जैसे ग्रैंड भव्य, मैग्ना बहुत बड़ा, मैग्ना मीन्स बड़ा, ठीक है। इंटर का मतलब बीच में, सरकम का मतलब चारों तरफ, लोकेशन का मतलब होता है बातूनी या बात करने वाला। तो ये जो वर्ड है ना, इनको आप तोड़ तोड़ के याद करेंगे, आधा आधा याद करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा वेंट्रीलोक्यूशन, वेंट्रीलोक्यूशन, ठीक है। अब यहां पर क्या हो जाएगा कि द आर्ट ऑफ स्पीकिंग विदाउट मूविंग लिप्स। कुछ लोग होता है ना, या कहा जाए कुछ लोग नहीं कहते ना, कि बिना होंठ हिलाए बोलना, बिना होंठों को हिलाए, जैसे मैं बोल रहा हूं तो मेरे होंठ ऊपर आगे आ रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, कैसे हो जा रहे हैं ना, तो बिना होंठों को हिलाए बोलने की जो कला होती है उसे वेंट्रीलोकिज्म कहते हैं, वेंट्रीलोकिज्म कहते हैं, वेंट्रीलोकिज्म। अब मैं लो बोल रहा हूं तो मुंह आ गया, होंठ आगे आ जा रहा है, इससे इस वाला वही वाला, ठीक है। लेकिन ऐसे बोला वेंट्रीलोक, मतलब बोल ही नहीं पाए, वेंट्रीलोक्यूशन बोल ही नहीं पाए, क्योंकि ये होंठ जरूर, लेकिन एक से एक आर्टिस्ट होते हैं जो अपने बिना होंठों को हिलाए वो बोल लेते हैं, तो उन्हें वेंट्रीलोकिज्म कहते हैं। कितना बढ़िया इंटरेस्टिंग वर्ड है, आप करो तो एक बार, आप करने की कोशिश तो करो, गारंटी के साथ कहता हूं ना हो जाए तो बताना। लास्ट है हमारा कोलोक्विज्म, सॉरी कोलोक्विम, सी ओ एल सी ओ डबल एल ओ, ठीक है। तो एल ओ क्यू इसका मतलब तो बोलना होता है, और कॉल लिखा हुआ है, तो कोलोक्विज्म, सॉरी कोलोक्विम मतलब होता है द आर्ट ऑफ स्पीकिंग क्लियरली। जो लोग साफ साफ बोलते हैं उन्हें कोलोक्विम कहते हैं, कोलोक्विम, क्लियर, कोलोक्विम। तो ये है हमारे रूट वर्ड। आई होप, देखिए मैं फिर से बता देता हूं, मैं आपकी तरफ देख के बोल रहा हूं, जैसे इलोक्वेंट होता है, इफेक्टिव इन स्पीकिंग होता है, ठीक है, लोकेशियस होता है, बातूनी होता है, सरकम लोकेशन घुमा फिरा कर बात करना, ग्रैंडीलोक्वेंस का मतलब होता है यानी बड़ी बड़ी बातें करना, सेखी भगरना, ठीक है। उसके बाद लास्ट में है हमारा मैग्नीलोक्वेंस, यानी अच्छी बातें, अच्छे अच्छे वर्ड यूज करके बोलना। इंटर, यहां पर वर्ड है हमारा इंटरलोक्यूशन, ये वर्ड है बीच बीच में बोलना, वार्तालाप करना। वेंट्रीलोकिज्म का मतलब होता है बिना होंठों को हिलाए बोलना, और लास्ट में आता है कोलोक्विम, इसका मतलब होता है द आर्ट ऑफ स्पीकिंग क्लियरली। तो आई होप ये थोड़ा सा बड़ा हो गया वीडियो, यानी 8 मिनट का हो गया, लेकिन आप देखिए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्ड भी तो आपको मिल गए। तो आई होप ये आपको समझ में आएंगे। तो प्लीज ऐसे वीडियोस के लिए आप जरूर शेयर सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को भेजो, अपने रिश्तेदारों को भेजो, भाई बहनों को भेजो, जिन्हें जरूरत है उन्हें भेजो, क्योंकि ये वीडियोस रुकने वाले नहीं है। आज 13 है, मुझे अगर 1300 तक जाना पड़ेगा मैं आपके लिए जाने के लिए तैयार हूं। और कल से हमारा आने जा रहा है ग्रामर का पार्ट, ग्रामर के वो पार्ट होंगे जो शायद ही अपनी लाइफ में अपने इतना शॉर्टकट, इतना बेहतरीन, इतना टू द पॉइंट वाले वीडियोस देखे होंगे या पढ़ने की कोशिश की होगी या किसी ने पढ़ाने की कोशिश की होगी। मैं हूं आपके लिए, फिर आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।